Human, मैं, सीमा. आज की में मैं शेयर कर रही हूँ अपने किसी भी पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हैं।, हैं तो इस टाइप का कर सकते हैं मेरा फाइनल लुक है और इसका फाइनल आप लोग के भी शेयर कर दूंगी क्या पहना है मैंने क्या नहीं मैडो आप लोग को बता रही है क्या 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 बता रही है वो सारी चीजें आपको ठीक है मैं बोल रही तो उसको लग रहा है कि मुझे भी बोलना है तो चलिए देखते इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है उसके बाद में सो so गाइज़ ये है हमारा आउटफिट जो मैंने पहना हुआ है ये हमारी बनारसी साड़ी है और बनारसी साड़ी पर मैंने स्लीवलेस करवाया था मैं स्लीवलेस ही ज़्यादातर वेयर करती हूँ और आप लोगों को पता ही है पहले से ही और यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग वैक्टिंग करती थी रील्स वगैरह जैसे बनाते ना वो बना रही थी और इसका आप लोग के साथ मैं वीडियो आएगी शेयर कर दूँगी जल्दी ही और आप लोग ये मेकअप लुक देखिए कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा ठीक है ये है हमारा थोड़ा सा पास से और आप लोग बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा मेकअप आप लोगों को जिस तरीके से मुझे आता है मैं उस तरीके से आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अगर नहीं आता तो नहीं शेयर करती आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट करती दीदी अपना मेकअप लुक भी डाला करो तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया है और अभी दो चार लोगों की और रिक्वेस्ट पड़ी हुई है तो वो वाली वीडियो भी मैं शेयर करूँगी एक आप लोग को ग्रीन आउटफिट में चाहिए और एक येल्लो आउटफिट में चाहिए तो वो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी मैं ठीक है तो ये थोड़ा सा दूर से है जैसे कि आप लोग को साड़ी का पता लग जाए किस तरीके से मैंने साड़ी को वेयर किया हुआ है तो चलो स्टार्ट करते हैं मेकअप सबसे पहले आप अपने पूरे फेस पर सी कर लीजिए जो भी आपके फेस पर अनिवन स्किन है या डार्क स्पॉट्स है या फिर ड्राइनेस है या जो भी चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं अगर आप सी कर लेते हैं तो उसके बाद से आपकी जो स्किन है ना बिल्कुल रेडी हो जाती है मेकअप के लिए अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ स्क्रीन फूड का स्किन फूड का जो हमारा मॉइस्चराइज़र है वो लगा रही हूँ बहुत ही बढ़िया है और मुझे ना बहुत पसंद आता है ये इसलिए क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं करता अच्छे से मिक्स हो जाता है जब मैं मेकअप लुक करती हूँ तब मैं ये यूज़ करती हूँ वैसे मैं अपने घर की ही सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ टोनर भी और डे क्रीम और नाइट क्रीम मैं अपना खुद का होम यूज़ करती हूँ तो आप लोग के साथ मैं इसकी वीडियो धीरे धीरे शेयर करूँगी नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट uh, लेंस वेयर कर लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कॉन्टैक्ट लेंस लगाना और अब यहाँ पर लगा रही हूँ मैं फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर फिटमी का टू टू जीरो शेड लिया हुआ है और जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर है हल्का सा गीला कर लीजिए आप और इसको जब आप गीला करते ना तो पानी से ना करके रोज़ वाटर से गीला करें बहुत अच्छा रहता है है ना रोज़ वाटर से करते तो आपके फेस के लिए भी अच्छा रहता है अब यहाँ से अपने पूरे फेस पर मैं फाउंडेशन लगा लूँगी इसकी हेल्प से और फाउंडेशन को आपको डैप 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 करके लगाना है मैं आप लोगों को लगा कि मैं घिस रही हूँ भाई घिस नहीं रही हूँ मुझे भी पता है कि ब्लेंडर कैसे लगाते हैं और आप लोगों को सभी लोगों को मेक मेरे मेकअप लुक्स पसंद आते हैं इसलिए मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ आज आप लोग के साथ में मेकअप लुक की वीडियोस तो आप लोग मेकअप लुक की वीडियोस देखिए और एंजॉय कीजिए जो लोग भी मेकअप लुक ये वाला क्रिएट करेंगे मुझे टैग जरूर कीजिएगा मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी चीज़ मेरी करते हैं फॉलो उसका बताया करो कि यहाँ कैसा लगा कैसा नहीं लगा धीरे धीरे इंसान सीखता है तो सब करता है मुझे ना मेकअप लुक पार्लर में जाके करवाना बिल्कुल नहीं पसंद है चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो कितना भी बड़ा ओकेजन में इवन मेरी शादी थी इंगेजमेंट थी मेरी मैंने खुद ही मैं खुद ही रेडी हुई थी मुझे पसंद ही नहीं आता सब लोग पार्लर जाते मेरे घर में ज़्यादातर लोग ठीक है बट मैं पार्लर नहीं जाना पसंद करती हूँ मुझे पार्लर जाना कम पसंद है मैं अपने घर में ही पार्लर वाली को बुला लेती हूँ जिससे कि मैं अपनी आई लाशेज वगैरह करवाना है तो ये मैं करवा लेती हूँ और अपना वैक्स है मैनीक्योर है पेडी है ये करवा लो घर पे मेकअप वगैरह आप बाहर करवाते हो तो उसमें क्या होता है कि इतना अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा, हैवी हैवी सा कर देते हैं अब यहाँ पर सेटिंग के लिए मैम फाउंडेशन की सेटिंग के लिए लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ ये लूज़ पाउडर बहुत बहुत अच्छा स्विस्बिटी का है और रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे हैं मुझे बहुत पसंद है तो मैं आप लोगों को कहती कि जब पार्लर जाते हो ना तो आपका जो फेस होता है उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं पार्लर वाले बहुत ज़्यादा कंसीलर फंसीलर सब लगाते हैं कलर कैरेक्टर मैं सब ये सब नहीं यूज़ करती हूँ आपने देखा ना मैंने एक मॉइस्चराइज़र यूज़ किया सी मैंने पहले किया था सी का मतलब होता है क्लीनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर ठीक है तो अपने स्किन को पहले रेडी कर लीजिए मेकअप से पहले उसके बाद से आप अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाइए फाउंडेशन लगाइए और उसके बाद से आप अपने फेस पर अपना सेटिंग पाउडर लगा लीजिए और उसके बाद से स्टार्ट करिए मेकअप तो ये मैंने यहाँ पर सेटिंग सेटिंग पाउडर लगाने के बाद से सीधे अब लगाना लगी हूँ मैं ब्लश ब्लश लगा लिया मैंने अच्छे से अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी लिपस्टिक उससे पहले मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है मुझे और इस्पेशली जब हम कहीं रात की पार्टी में जाते हैं तो मज़ा आ जाता है फेस देख करके आपके फेस पर बहुत शाइन देखो ऐसा मेकअप लोग आपको तब मिलता है जब आपका फेस क्लियर हो कहीं पर भी आपके फेस पर दाग धब्बे ना हो आपके फेस पर गड्ढे ना हो तो गड्ढे तब होते हैं ओपन पोर्ट्स की समस्या तभी होती है जब आपका फेस ऑयली होता है आपका फेस क्लीन नहीं होता साफ़ सुथरा नहीं होता है और अच्छे से प्रैप नहीं करते हो आप उसको केयर कीजिए सब कुछ केयर पर डिपेंड करता है दूसरी चीज़ रिंकल्स की समस्या नहीं होनी चाहिए अगर रिंकल्स अगर आपके फेस पर है तो आपका मेकअप इवन नहीं दिखेगा अन दिखेगा बहुत अजीब सा लगेगा अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने फेस पर ना ही कोई कंसीलर यूज़ किया ना ही कोई कलर करेक्टर यूज़ किया है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है यही मेकअप लुक मेरा निकल के आता है हमारी वीडियोस में आप लोग जो देखते हो तो मेरा इस तरीके से ही मेकअप करने का तरीका है आप लोग देख लीजिए अब यहाँ पर मैंने जो लिपस्टिक लगाई है ये लिपस्टिक मेरी शुगर की है शेड बहुत प्यारा है मेरी साड़ी से मिलता जुलता शेड अभी ड्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद से मैंने यहाँ पर हुडा ब्यूटी का पैलेट लिया हुआ है न्यूड है और इसमें सारी ही कलर तो मैं आप लोगों के साथ में कभी पायलट के रिव्यूज अच्छे से करूँगी बहुत सारे पायलट से मेरे पास मैं आई के तो शेयर करूँगी ठीक है किसी अच्छे से वीडियो में रील्स पर इंस्टाग्राम पर अब यहाँ पर मैंने ना ऑरेंज कलर लिया पूरे लिड पर मैं ये ऑरेंज कलर लगा लूँगी एक फ्लपी ब्रश से अच्छे से आपको लगाना है अपने पूरे लिड पर ऑरेंज कलर इससे क्या होता है ना कि एक आपने बेस दे दिया है अपनी लिड को आई लिड को और जब आप बेस दे देते हो उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ लगाते हो तो बहुत अच्छे से इन्हांस होती है दिखती है नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया लाइट आपका थोड़ा सा ब्राउनी शेड में और इसको मैं वॉटर लाइन पर लगा रही हूँ और आपको हाफ पे लगाना है जो कॉर्नर वाला एरिया होता है ना वहाँ नहीं लगाना वहाँ पर हमें गोल्डन लगाना है तो वो मैं लगा कर दिखाऊँगी आप लोगों को तो बस मैं इस तरीके से मेकअप लुक करती हूँ बहुत ज़्यादा तीन जाम नहीं है मेरे मेकअप लुक में और आप लोग देख सकते हो मेरे फेस का कलर मेरे हाथ का कलर ठीक है मैच कर रहा है बिल्कुल भी और नहीं जा रहा अलग नहीं जा रहा तो मेकअप ऐसा ही होना चाहिए कि आपका फेस गला हाथ सब कुछ मिक्स मैच हो कि आपको अच्छा लगे कि हाँ आपका ही हाथ है ऐसा ना लगे किसी और का हाथ है अब यहाँ पर मैंने इनर कॉर्नर में गोल्डन कलर का आई लिया है और उसको मैंने अपना ब्रश लगा लिया उसके बाद से मैं यहाँ पर हाफ पे लगा रही हूँ इनर कॉर्नर छोड़ करके जो आउटर होता है हमारा एरिया वहाँ पर मैं लगा रही हूँ पिंक शेड पिंक कलर का मैंने शेड लिया है उसको मैं हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ इस तरीके से ब्लेंड करना है कि आपका जो पिंक शेड आपने बेस लगाया था उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसको हम पूरा फाइनल लुक देंगे ब्राउन टचअप से ठीक है तो यहाँ पर देखिए आप दोनों ही आइज़ में मैंने लगा लिया है दूसरी चीज़ ये कि अगर आपकी शादी है आपका आपकी मैदी है हल्दी है इंगेजमेंट है आई एक्सटेंशन जरूर कराइए मैंने जो कराया है ये मेरा पैंतीस सौ रुपये का है और आप लोग करवा सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आता है बस ये होता है कि बहुत सारे लोग के मैसेज आते दीदी हमने आई एक्सटेंशन करवाया था हमारी आँखों में सूजन आ गई है सूज गया है तो ये देखो लोकल क्वालिटी वाली चीज़ करवाओगे तो आँख भी खराब हो जाएंगी भैया जब हम सही सलामत हैं हाथ पैर सही सलामत होते हैं तब लोग इतने ताने मारते हैं जब आपकी आँख ही नहीं रहेंगी तो आपको लोग कितने ताने मारेंगे तो अच्छी जगह से पैसे मत बचाने की सोचा करिए आप ये सब चीज़ें करवा रहे हो तो फैशन चाहिए तो पैसा खर्च करना पड़ता है नेक्स्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं ब्राउन कलर का शेड लिया है फ्लॉपी ब्रश के साथ में और इसको मैं आउटर पर ही हल्का हल्का लगा लूंगी है ना नेक्स्ट दोनों पर ही मैं इस तरीके से लगा लूंगी जिससे ना कि इसको अच्छे से हम दिखा सके कि हाँ हमने क्या लगाया अब आप कोई भी आज शर्ट लगा देना उसको इस तरीके से मिक्स मैच करना है कि आपके तीनों ही कलर दिखे देखो तो ऑरेंज भी दिख रहा है गोल्डन भी दिख रहा है और हमारा पिंक जो टोन था वो भी दिख रहा है ऐसे आपको लगाना होता है अब यहाँ पर मैंने व्हाइट काजल लगा लिया जब आप इसको मेकअप को करते ना तो थोड़ी देर बाद ना ये मेकअप बिल्कुल सटल सा हो जाता है बिल्कुल अच्छा लगना शुरू हो जाता है एक दो घंटे बाद अगर कहीं जाना है आपको तो आप एक डेढ़ घंटे पहले तैयार हो जाइए बहुत अच्छा लुक आता है इसे देखने में सुंदर सा लगता है अब जब ये फाइनल लुक हो जाएगा तब आप लोग खुद देखना इसको कितना सुंदर सा इसका जो लुक है वो आता है क्योंकि आप लोग जब कोई भी चीज़ करते हो तो दिल से करते हो धीरे 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 आपकी जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें ना इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है आपका आईब्रो जेल ये ब्राउन कलर का शेड है मेरा और मैं इससे ही अपनी आईब्रो फिल करती हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद है और इससे ना अगर आप आईब्रो फिल करते हो तो आप अगर बारिश में भी जा रहे हो ना तो भी ये नहीं निकलता है बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी आईब्रो बहुत हल्की होती होती ही नहीं है तो वो लोग ये वाला आई शेडो आई शेडो कह रहे हो ये वाला जेल जो है जेल आई लाइनर का ब्राउन शेड ले सकते हैं ब्लैक शेड ले सकते हैं इससे क्या होता है कि अगर आप बारिश में भी जा रहे हो तो ये बहता नहीं है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेंसिल लगाते हैं वो बह जाता है या आई शेडोसा लगा लेते हैं तो वो बह जाता है बारिश वारिश में तो ये इतना अच्छा है कि अगर आप फेस को पानी से भी धो लेते हो या आपके फेस पर पानी पड़ जाता है या बारिश हो रही है भीग जाते हो अब तो ये बहता नहीं है सबसे अच्छी इसकी बात यह और दूसरी चीज़ ये कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है बहुत देर तक रुका रहता है अब यहाँ पर मैंने ये फिल कर लिया है अब यहाँ पर बिंदी लगा रही थी बट मैं ये बिंदी नहीं लगाऊंगी चेंज कर दूंगी मुझे ज़्यादातर ना महरून और रेड का कॉम्बिनेशन पसंद आता है अब यहाँ पर मैंने ना अपनी आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए लगा लिया है सिल्वर कलर का हाइलाइटर आईब्रो के पास में नीचे से और वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है नेक्स्ट मैं यहाँ पर वाटर लाइन पर लगा रही हूँ मस्कारा बहुत ही जल्दी मेरा क्विक मेकअप होता है मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बट हाँ जैसे ज्वेलरी पहनना साड़ी पहनना दो दो बच्चे हैं तो इनके लिए ना बहुत सारी चीज़ें दिखा करनी पड़ती हैं कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो बच्चों को भी देखना है बड़ों को भी देखना है सबको देखना होता है ठीक है तो आपको जब के घर में दो बच्चे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जो काम आधे घंटे का वो कम दो घंटे में मरने पड़ता है क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है धीरे धीरे उनके लिए भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आप लोग के साथ में कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ थोड़ा लेट हो रहा तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी आप लोग मेरा वेट किया करो बस इतना ही कहो तो ये है फाइनल लुक हमारा तो ये है हमारा फाइनल लुक आप चाहो तो कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो मैं ज़्यादातर पफ बनाती हूँ साइड साइड से और पीछे जूड़ा बना लेती हो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ बाई लव यू